हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है म्यूज़िक की क्लास के अंदर। 11 क्लास के लिए आज एक इंट्रोडक्टरी लेसन डाल रहा हूँ मैं। तो आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है संगीत, और संगीत किसकी देन माना गया है? ईश्वर की देन माना गया, परमात्मा की देन माना गया है। और संगीत शब्द हमारे दिमाग में आते ही हमारे मन में केवल तीन ही पिक्चर आती हैं, गाना बजाना और नाचना, गायन कला, वादन कला व नृत्य कला, है ना? यही आती है ना। और संगीत हमारा जो बना है दो ही शब्द से बना है, सम प्लस गीत। अर्थात सम का अर्थ होता है उत्तम और गीत का अर्थ होता है गायन। उत्तम गायन इज इक्वल टू संगीत। संगीत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में, हमारे मन में आनंद के हिलोरे उठने लग जाते हैं, अर्थात हमारा मन आनंद आनंदित हो जाता है। तो संगीत, ये सारा आपको मैं लेसन है जो आपको एक बार स्टडी करना है, संगीत की उत्पत्ति के बारे में ही सारा बता रखा है इसके अंदर। तो मेन आपको जो लाइन याद करनी है, या मैक्सिमम पोर्शन आपको इसके अंदर 200 से 300 वर्ड में आपको याद करना है इसके अंदर, जो जो मेन मेन आपको लाइन दिख रही हैं। तो क्या है? पहली, गायन वादन में नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को हम कहा जाता है संगीत। तीनों ही कलाएं एक दूसरे के पूरक मानी गई हैं, गायन कला, वादन कला है, नृत्य। गायन कला इन सब में उत्तम मानी गई है। गायन कला जब मनुष्य गाता है वो होता है वादन कला, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। और नृत्य कला यानी कि जब हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा हम हाव भाव अपने प्रकट करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है नृत्य कला। तो तीनों ही कलाएं एक दूसरे पर आश्रित मानी गई हैं। अब आता है संगीत का महत्व। संगीत का महत्व क्या है? देखो, संगीत जो शब्द है ये सबसे पहले हमें, आपको पता है हमारे पास चार वेद थे, अथर्व वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो सामवेद के अंदर संगीत शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उसके अंदर सारे श्लोक वगैरह होते थे वो सारे संगीत की सहायता से ही गाए जाते थे। संगीत कला एक अति आकर्षक और ललित कला मानी गई है। जितनी भी हमारी ललित कलाएं हैं, अर्थात फाइन आर्ट है या संगीत है, ये सब चीज़ों में तो हमारा संगीत ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके द्वारा मानव मन से लेकर के पशु पक्षी आदि तक आकर्षित हो जाते हैं ना। जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो सारे ही गोपियाँ, सारे गांव वाले और सारे ही जो वहाँ के पशु पक्षी होते थे उनके चारों ओर संगीत का आनंद लेने के लिए खड़े हो जाते थे। तो सारा ही जो हमारा महत्व है संगीत का, इसके अंदर हमें दो प्रकार से है, देखो, मानसिक और शारीरिक। हमें दो प्रकार से सुख की प्राप्ति देता है। मानसिक कैसे? हमें आनंद की अनुभूति होती है। और शारीरिक, आपको पता है कि कुछ लोग बीमार होते हैं तो उनको हम संगीत की सहायता से मेडिटेशन करा करके हम उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर के आते हैं। तो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, देखो, हम नृत्य करते हैं, हम बॉडी की मूवमेंट वगैरह करते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज भी होती है, तो आदमी फिजिकली स्ट्रोंग भी रहता है। तो वहाँ पर भी महत्व तो हमें दिखाई देता है। और मेंटली जब हम संगीत, एक संगीतकार प्रॉपर जो संगीतकार होगा तो वो उसके जो बात करने का तरीका होता है, उसके जो हाव भाव होते हैं वो काफ़ी सरल और सहज हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये सारा स्टडी करना है। वादन कला, वादन कला से क्या होता है? देखो, वादन कला विकास करती है हमारा किसका, दिमाग का। यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो हमारा उससे क्या होता है, दिमाग जागृत होता है, हमारा दिमाग स्ट्रोंग होता है, ठीक है। तो नीचे ये मेन लाइन पढ़ रहा हूँ आपको मैं। संगीत एकता की भावना से परिपूर्ण है, इसमें उच्च नीच, जाति पाति, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। हर प्राणी इस कला को भली भांति सीख सकता है तथा निपुणता हासिल कर सकता है। किसी भी संगीत समारोह में हिंदू मुसलमान एक परिवार की तरह ही शामिल होते हैं तथा गीत गाते हैं और बजाते हैं। यह संगीत की एक ऐसा माध्यम है, संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जहां हम राम रहीम को एक साथ देखते हैं, जहां सामवेद की रचनाएं संगीत का कोष हैं, जहां वहां कुरान की आयतें भी संगीतमय ही होती हैं। जहां प्रेम है वहां संगीत है, और जहां संगीत है वहां पर प्रेम है। संगीत एक अलौकिक आनंद से भरपूर कला है, जैसा कि एडिसन थे एक
और उन्होंने कहा भी है कि इस पृथ्वी पर संगीत जो है स्वर्ग से मिली हुई यदि कोई चीज है तो वह है संगीत। अंत में हम यह कह सकते हैं कि संगीत एक अति उत्तम कला है और एक ऐसा सौंदर्य है जो प्राणी मात्र एवं प्रत्येक प्रकार की जड़ चेतना को तत्काल ही अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको एक बार स्टडी करना है और इनमें से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो दो प्रकार, दो पक्ष रखे गए हैं संगीत के, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। भाव पक्ष क्या होता है, जब आदमी संगीत के नियमों का ध्यान न रख करके केवल अपनी भावनाओं से ही श्रोताओं को और अपने आप को आनंदित करता है। अर्थात देखो, आपने भजन सुनते हैं, हम गीत सुनते हैं, गजल सुनते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, संगीत के नियमों का ध्यान नहीं रखते, हम क्या करते हैं उसमें केवल अपनी भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। देखो लाइन, जब कलाकार अपने मधुर कंठ से रस भरे स्वर लय ताल के माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को, यानी कि जो उसके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको श्रोताओं के हृदय में उतार देता है, यही संगीत का भाव पक्ष कहलाता है। भाव पक्ष में संगीत तथा श्रोता दोनों ही भाव विभोर हो जाते हैं, किंतु यह क्रिया तब होती है जब कलाकार अपने कला पक्ष की ओर अधिक ध्यान न देकर के संगीत के द्वारा रसीली आवाज तथा अच्छी भाव मुद्रा से स्वर लय के आनंद वर्षा तथा शब्दों के रस को विशेषता के साथ प्रकट करता है। इसके कहने का अर्थ है कि इसके भाव पक्ष में क्या होता है, भाव पक्ष में जो आदमी के मन में भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अपने हाथों के हाव भाव से ही थोड़ा सा संगीत की सहायता यानी कि ताल और सुर की सहायता से ही श्रोताओं के मन को आनंदित करने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूसरा पक्ष आता है एक इसका नीचे, कलात्मक पक्ष। कलात्मक में क्या होता है, इसमें भावनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें कला को महत्व दिया जाता है कि यानी उसका जो ज्ञान है, उसकी बुद्धि कौशल जो संगीत के प्रति उसको है, यानी कि जो राग या संगीत के जो नियम होते हैं इसमें उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि भावनाओं को। तो एक बार पढ़ देता हूँ, कला अपने आप में ही चमत्कार होती है, यही कला का विशेष गुण है। जब संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अलाप बोल तान खटका मुरकी मींड तथा गमक आदि के द्वारा चमत्कार दिखाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं खटका मींड मुरकी कण, ये आपको बाद में बताऊंगा मैं आपको, ये सब अपने जो कला दिखाने के अलग अलग वेरिएशंस के पार्ट होते हैं। ठीक है, कला पक्ष में कलाकार को अपने भाव पक्ष के साथ साथ कला दिखाने का विशेष बल दिया जाता है, विविध प्रकार की लयकारियाँ दिखाने दिखाते हुए स्वरों के द्वारा श्रोताओं के रस विभोर करता है, तथा लय पक्ष लय के साथ अटकेलियाँ करता हुआ अपनी कला का चमत्कार निरंतर दिखाता रहता है। तो मेन सीधी सी बात है, भाव पक्ष के अंदर क्या होता है कि भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसमें हम संगीत के नियमों को ज़्यादा ध्यान में रख कर केवल अपनी भावनाओं को ही महत्व दे करके हम श्रोताओं को आनंद देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कलात्मक पक्ष के अंदर हम भावनाओं को कम बल्कि अपने जो टैलेंट है, अपने नॉलेज है, जो संगीत का ज्ञान है, उसके द्वारा हम आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दो प्रकार का संगीत माना गया है, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत वही जो ऊपर मैंने भी बात करी थी कि जिसके अंदर शास्त्रीय नियमों का ध्यान रख करके हम गाते हैं, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो राग वगैरह होते हैं इन सब के नियमों के अनुसार ही हम गाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है शास्त्रीय संगीत। इसके अंदर राग, ठुमरी, ध्रुपद इत्यादि गायन शैली आती हैं। ओके, जो राग के नियम होते हैं वो सारे अपनाए जाते हैं। और भाव संगीत क्या होता है, भाव संगीत होता है जिसमें केवल भावनाओं को महत्व दिया जाता है, हम रागों के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसा कि हम लोग सुनते हैं टीवी में, लोग सॉन्ग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त करते हैं, वो ज़्यादा नियमों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और जब आप क्लासिकल म्यूजिक सुनोगे, राग वगैरह सुनोगे, तो उसके अंदर वो सिर्फ, वो आपको बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, उसमें भावनाएं कम होती हैं, केवल कला जो नॉलेज वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादा माना जाता है, उसके अंदर जो शास्त्रीय नियम होते हैं उनका पालन किया जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा हमें
आनंद नहीं दे पाता है हमें ज्यादा आनंद कौन सा देता है? भाव पक्ष, क्योंकि हम उसके आदि हो चुके हैं। तो भाव पक्ष में क्या क्या आते हैं? भजन, गीत, लोकगीत, चित्रपट, संगीत। भजन आप सुनते ही हैं, राम कृष्ण माता के जागरण कीर्तन होते रहते हैं वहाँ पर, आप जो टीवी में हम भजन वगैरह सुनते हैं। गीत क्या होते हैं? गीत होते हैं जो हमारे जो पुराने कवि थे, जैसे त्रिपाठी निराला जी इत्यादि, जो ये हमारे को जो सुनाया, जो इनकी जो पोएम्स होती थी या गीत होते थे, उनकी कविताएं होती थी, जब हम उनको गाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं गीत। और लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं जो हम हमारे लोकल गीत होते हैं, जो हम विवाह शादियों पे या विवाह शादियां जो होती हैं वहाँ सब हम गाते हैं भजन वगैरह, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित होती हैं, तो वो सारे होते हैं लोकगीत। ये देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, जो हम लोरी में गाते हैं, कजरी में गाते हैं, लाडली, चेती इत्यादि जो होते हैं, सारे हमारे होते हैं। ठीक है, चित्रपट संगीत कौन सा होता है? जो फिल्मी गीत होते हैं, जो फिल्मों में, मतलब कि जो पिक्चर चल रही है उसी के आधार पर हम जो गीत गाते हैं वो कहलाते हैं हमारे चित्रपट गीत। ठीक है, तो ये है हमारा सारा संगीत। कुल मिलाकर के हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या थी? गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। गायन कला प्रमुख मानी गई है। ये सब चीज़ें डिफाइन करनी है 200 से 300 वर्ड के अंदर। देन दो पक्ष हैं संगीत के, कौन कौन से हैं? पहले संगीत का महत्व है, संगीत के महत्व आपको बताया था मैंने, क्या महत्व है? बजाने वाले का दिमाग की वृद्धि होती है, नाचने वाले का शारीरिक सौंदर्यता बढ़ती है, और गायन कला से हमारा मन भाव सहज हो जाता है, और हमारी जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो भी हमारी जुड़ी रह जाती हैं। ठीक है, और फिर आता है पक्ष, यानी कि कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में जो कला को महत्व दिया जाता है, और भाव पक्ष में भावनाओं को महत्व दिया जाता है। फिर दो प्रकार का संगीत आता है, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत में क्या होता है? जिसमें रागों के नियमों का ध्यान रखा जाता है। और भाव संगीत क्या होता है? जिसमें केवल भावनाओं को महत्व दिया जाता है, जैसे भजन गीत, गजल, हम अपने लोहरी या होली या दिवाली पे जो गीत वगैरह गाते हैं वो सब, शादी ब्याह पर। चित्रपट संगीत कौन सा होता है? चित्रपट संगीत वो होता है जो फिल्मों पर दर्शाए जाते हैं इत्यादि। ठीक है, तो ये सारा बेसिक है, आपको पहले एक बार इनको स्टडी करना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक्स।